हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने पार कर दी सारी हदें। अब कुत्ते की तस्वीर पोस्ट कर कह डाला कुत्ता पांड्या। भड़के हार्दिक के फैंस। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में खबर आई कि नताशा उनसे तलाक लेने वाली है। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नताशा ने इंस्टाग्राम पर एक कुत्ते के फोटो को शेयर कर पांड्या लिखा, जिसको देखने के बाद हार्दिक के फैंस भड़क गए। नताशा का ये कुत्ता वाला पोस्ट तुरंत वायरल हो गया। नताशा ने कुत्ते के फोटो पर लिखा, बेबी रोवर पांड्या। ऐसे में जहां कुछ फैंस का कहना है कि नताशा ने अपने कुत्ते को पांड्या बोलकर हार्दिक के साथ सब कुछ ठीक होने का संकेत दिया है, तो वहीं कुछ फैंस का कहना है कि नताशा ने अपने पति और भारतीय क्रिकेटर को कुत्ता बोलकर अपमानित किया है। आपको बता दें, मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए तलाक की झूठी अफवाह फैलाई थी। इस सब में उनकी पत्नी नताशा भी शामिल है, क्योंकि तलाक की जब खबर आई थी तो नताशा ने हार्दिक के साथ सारे फोटो को डिलीट कर दिया था। वहीं नताशा ने उन तमाम फोटो को फिर से पोस्ट किया है जो पहले इंस्टाग्राम से गायब थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों का रिश्ता दोबारा से बेहतर हो गया है, तो वहीं कई लोगों का मानना है कि दोनों के बीच रिश्ता कभी खराब हुआ ही नहीं था, ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट था। कहा जा रहा है कि आईपीएल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को खूब ट्रोल किया जा रहा था। ऐसे में ट्रोल से बचने के लिए जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचा गया। आपको बता दें, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को बनाए जाने के कारण मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, जिसके बाद मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा था।